हम बात कर रहे हैं हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड के। आज के दिन की बात करें तो 3% के ऊपर की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 235 रुपीज़ पर हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। देख सकते हैं स्टॉक ने 290 तक के टारगेट दिखाए, ऑलमोस्ट 290-294 के लेवल, और वहाँ से फिर करेक्शन देखने के लिए मिला है, गिरावट, छोटा मोटा जंप, अगेन गिरावट। और इस वक्त स्टॉक हम देख सकते हैं जहाँ ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास। ये जो लेवल है 230 का लेवल, जहाँ से इससे पहले गिरावट के बाद सपोर्ट लेकर तेज़ी दिखाई थी, थे ऑलमोस्ट 294 तक के टारगेट दिखाए थे। कौन सा लेवल है? 230 का लेवल अपने सपोर्ट के आसपास नज़र आ रहा है। तो 230 के आसपास से अगेन स्टॉक में हमको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। अब इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है 230 का लेवल हाई ग्रीन के लिए। अगर ब्रेकडाउन कर गया तो ऐसे कंडीशन में 220 और फिर 200 तक का फॉल दिखा सकता है, लेकिन अब चांस बनेंगे 230 के ऊपर ही सस्टेन होने के। इसी लेवल पर स्टॉक सस्टेन होता हमको नज़र आ सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर जाता है तो ये जो रेड कैंडल का हाई है जो आप देख पा रहे हो, एग्जैक्ट कौन सा लेवल है हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, ऑलमोस्ट 250 का लेवल जंप आता है तो यहाँ तक का जंप दिखा सकता है। पहला टारगेट 240 और इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट अपना 250 रहेगा, और यहाँ तक का जंप दिखा सकता है। अगर 250 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है स्टॉक तो वैसे कंडीशन में फिर और अपसाइड दिखाता नज़र आ सकता है, फिर ऐसे कंडीशन में अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में, तो 230 के लेवल पर नज़र रखना है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो और गिरावट यहाँ से देखने के लिए फिर मिल सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।